तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे भाई बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहने चाहिए। स्वागत है आप सभी लोगों का एच ए पिजन टिप 001 में। यार थंबनेल और टाइटल तो आप लोगों ने देख लिया होगा अपनी वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। और तो भाई बहुत से भाई कमेंट भी कर रहे थे अपनी वीडियो क्यों नहीं आ रही। यार मैं आया हुआ हूँ गाँव, जैसा कि आप लोग पीछे देख सकते हो भाई। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया, मैं अभी गाँव में हूँ और आप लोगों को जो है ना मैं कबूतर दिखाने वाला हूँ, जो कि हमारे गाँव में किस तरीके से कबूतर पालते हैं और भाई कैसे क्या करते हैं, हर चीज़ बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। चलो भाई, तो यार वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक अच्छी चीज़ बता दूं, जो कि भाई हमारे 5000 सब्सक्राइबर जो है ना वो फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं आज के दिन। तो भाई मैं आप लोगों को यार कैसे शुक्रिया अदा करूं भाई, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। और भाई ये जो कबूतर है ना, यहाँ ऐसी घर बना के जो कि इन्हें छोड़ दिया जाता है और भाई ये खुद ही उड़ के कहीं से दाना चुग के पानी का बस इन्हें रख देते हैं, नहीं भी रखते, जो खुद ही जो ये लोग दाना पानी कहीं से चुग के आते हैं और भाई यहीं में बैठे रहते हैं। सुबह 5 बजे ये खुद ही निकल जाते हैं घर से और भाई दाना वाना चुग के आते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। और भाई तो ये देख लो, कुछ अंडे बच्चे भी हो रहे हैं इसमें और भाई सीढ़ी बना रहे हैं हम लोग। और बाकी सीढ़ी बनने के बाद आप लोगों को मैं अंदर का व्यू भी चेक करवाता हूँ कैसा है। और भाई घर देखो कितना ही प्यारा बना रखा है भाई ने, और सीढ़ी बन रही है यहाँ पर, ये देख लो आप लोग। सीढ़ी बनते ही जो भाई अंदर का व्यू भी आप लोगों को दिखाऊंगा। और भाई चैनल पे जो भी नया हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। और भाई एक दर लॉफ्ट यहाँ भी बना हुआ है, देख लो आप लोग, यहाँ भी 70-80 कबूतर होंगे। और भाई ये हमारे नाना का घर था, जो कि भाई इसमें थे 30-31 कबूतर थे यहाँ भी, और भाई बिल्ली ने मार दिए। पहले यहाँ पे 80-90 कबूतर हुआ करते थे, अब भाई नहीं है इतने कबूतर यहाँ। और भाई आप लोग कमेंट ज़रूर करना आप लोग यहाँ कैसे कबूतर पालते हो। और ये देख लो भाई कुछ कबूतर, ये रहे कितने ही प्यारे प्यारे कबूतर हैं भाई, और सारे भाई गोले कबूतर हैं, गोले सारे भाई, ठीक है, एकदम बढ़िया उड़ते हैं और भाई उड़ के खुद ही आ जाते हैं, कहीं कुछ नहीं करना पड़ता। और तो भाई हमारे जो भाई थे वो चेक कर रहे हैं घोंसले में क्या क्या है, तो भाई चेक करने के बाद पता चलता है इसमें 3-1 बच्चे होते हैं जो कि भाई छोटे छोटे होते हैं, और भाई 2 तो बहुत ज़्यादा ही छोटे होते हैं। ये देख लो इस वाले में जो देख रहे हैं, इसमें बड़ा बच्चा होता है जो कि हम लोग सोच रहे होते हैं दिल्ली ले जाएँ। और भाई ये देखो मैं आप लोगों को बच्चा भी दिखा देता हूँ, ये इतना बड़ा बच्चा था, फिर हमने सोचा यार एक बच्चा ले आके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि यार ट्रेन में मर ही सकता है ये। और भाई घर का व्यू देख लो, मिट्टी से किस तरीके से बना रखा, और सारे कबूतर ये रहे अपने और बाकी अंडे बच्चों के ऊपर हैं। और कमेंट ज़रूर करना भाई वीडियो लगी कैसे। चलो मिलता हूँ इसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो।